हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संजना और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपने फेस को इसी तरह ग्लोइंग रखने के लिए, अपनी ग्लो को बरकरार रखने के ऐसे 3 स्टेप जो बहुत ही आसानी से आप घर बैठे ही फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर फॉलो नहीं करना है, वीक में सिर्फ 2 या 3 बार फॉलो करना है। और आज के वीडियो में बताए गए सारे इंग्रेडिएंट्स हमेशा की तरह आपको आपके घर में ही अवेलेबल मिलेंगे। कहीं नहीं जाना है, सिर्फ अपने किचन में जाना है। जो सारी चीज़ें मैं कहूँगी वो सारी चीज़ें अरेंज करनी है और उसके बाद हम बनाएंगे आज ऐसी होम रेमेडी जिससे आप हमेशा अपने फेस को ग्लोइंग इसी तरह चमकदार रख सकते हैं। तो हमेशा ग्लोइंग नज़र आने के लिए आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी सिर्फ 3 टिप्स। ये सारी 3 टिप्स अगर आप हमेशा फॉलो करेंगे ना तो आपका फेस कभी डल नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप है फेस क्लेंजिंग, दूसरा स्टेप है फेस मास्क और तीसरा स्टेप वीडियो के एंड में बताती हूँ। सब कुछ अभी बता दूंगी तो आगे क्या बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्टेप है हमारा फेस क्लेंजिंग। तो फेस क्लेंजिंग के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने किचन से एक चीज उठानी है जो कि हर घर में 110% हमेशा अवेलेबल होता है, वो है रॉ मिल्क। रॉ मिल्क तो सबके घर में अवेलेबल होता है। रॉ मिल्क और टर्मरिक पाउडर की जरूरत हमें पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी रॉ मिल्क ले लिया है, आपको ज़्यादा नहीं, बस 2 चम्मच रॉ मिल्क की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब हम अपने लिए हुए रॉ मिल्क में ऐड करेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। क्वांटिटी बहुत ही कम लेनी है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेनी है, वरना फेस पूरी तरह से येलो हो जाएगा। दोनों को कर लेना है मिक्स। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे रॉ मिल्क में थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसे पीला नहीं करना है, वरना फेस हमारा पूरा येलो येलो हो जाएगा। बहुत ही कम क्वांटिटी में टर्मरिक पाउडर लेना है। अब इसे अप्लाई कर, तो अब इस रेमेडी को अप्लाई करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कॉटन पैड की। तो फ्रेंड्स, आपको इस टाइप का कोई भी कॉटन पैड ले लेना है और इसे इसमें अच्छी तरह से इस रेमेडी को ऑब्जर्व होने देना है। आप देख सकते हैं मेरा जो पहला रेमेडी है वो पूरी तरह से इस कॉटन पैड में ऑब्जर्व हो चुका है। अब इस कॉटन पैड की हेल्प से हमें इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। तो इस कॉटन पैड को अपने फेस पर पूरी तरह से ऐसे अप्लाई कर लेना है, सर्कुलर मोशन में ही अप्लाई करना है। बस जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ना तो 5 मिनट तक इसे अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में मसाज देना है। उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। वॉश कर लेने के बाद आपको नजर आएगा आपका फेस पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, उसमें कोई दाग धब्बे नहीं होंगे, कोई ब्लैक स्पॉट नहीं होगा, फेस पूरी तरह से क्लीन हो चुका होगा। तो ये था हमारा पहला स्टेप फेस क्लेंजिंग का। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स, फेस क्लेंजिंग के बाद मैंने फेस क्लेंजिंग का रेमेडी अपने हाथों पर अप्लाई किया था, तो आप मेरे दोनों हाथों को देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ब्लैकनेस आपको नजर आ रहा होगा और ये वाला हाथ पूरी तरह से क्लीन है। तो जब हाथों पर इतना इफेक्ट आया है तो चेहरे पर तो इफेक्ट डेफिनेटली आएगा ही, तो फर्क तो आप सभी के सामने है। अब हम बढ़ेंगे अपने स्टेप 2 की तरफ जो कि है फेस पैक। अब हम बनाएंगे होम रेमेडी की हेल्प से अपना फेस पैक और उसे अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब फेस पैक बनाने के लिए हमारा पहला इंग्रेडिएंट होगा 1 चम्मच बेसन। हम इस बाउल में 1 चम्मच बेसन ले लेंगे और हमारे फेस पैक के लिए दूसरी रेमेडी ले लेंगे अगेन थोड़ा सा हल्दी। ज़्यादा हल्दी नहीं लेना है, फेस पीला पीला हो जाएगा तो थोड़ा सा ही लेना है। और कंसिस्टेंसी के हिसाब से ले लेंगे थोड़ा सा दूध। बस ये 3 इंग्रेडिएंट के साथ हमारा फेस पैक हो जाएगा मिनटों में तैयार। तो फ्रेंड्स, दूध, हल्दी और बेसन 3 इंग्रेडिएंट को ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, एकदम नॉर्मल रखना है जिसे आप अप्लाई कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब हमारा फेस पैक पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। अगर आपको लगे कि इस तरह से बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड करके आप इसे थोड़ा सा थिक कर ले ताकि ये अपने फेस पर हम आसानी से लगा सके, पूरा पानी की तरफ बह ना जाए। तो हमें इसे थोड़ा सा थिक करना है, उसके बाद अप्लाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हाथों में लेकर हमें डायरेक्टली पूरे फेस पर अप्लाई करना है। मैं आपको अपने हाथों पर अप्लाई करके बता देती हूँ। सर्कुलर मोशन में करना है, जैसे हम अपने फेस को कभी कभी स्क्रबिंग कर लेते हैं वैसे ही कर लेना है। आप अगर चाहें तो इस पैक को अपने बॉडी के किसी भी पार्ट में अप्लाई कर लेते हैं। कुछ लोगों के गर्दन के पीछे भी बहुत ज़्यादा काला काला सा दाग हो जाता है, तो आप उसके लिए भी इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 मिनट का अपने पूरे फेस पर मसाज दे देने के बाद आपको 15 मिनट्स तक इस पैक को अपने पूरे फेस पर सूखने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही पैक पूरी तरह से सूख जाए, आपको लगे कि अब आप बोल नहीं पा रहे हैं, मुँह में बोलते वक्त थोड़ा सा खिंचाव हो रहा है,
तो आपको जाकर नॉर्मल पानी से उसे वॉश कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, तो वो मैं आपको अब बता दूं। तो फ्रेंड्स, तीसरे स्टेप को बताने से पहले मैं चाहूंगी कि आप फर्क देखें मेरे दोनों हाथों का। इसमें फेस क्लिंजिंग और फेस पैक दोनों अप्लाई किया है और इसमें दोनों में से कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, तो दोनों हाथों में आप फर्क देख सकते हैं। जब हाथों में इतना फर्क नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है फेस पर तो फर्क ज्यादा ही नजर आएगा ना। तो फ्रेंड्स, तीसरे स्टेप में जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये तीनों स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए ना तो आपका फेस हमेशा के लिए ग्लोइंग तो रहेगा ही, ग्लोइंग के साथ साथ आपके फेस में हाइपर पिगमेंटेशन जितनी ज्यादा है, ब्लैक हेड्स है, ब्राउन हेड्स है, ब्लैक स्कार्स है, ये सारी दूर हो जाएगी। मैं तो आपसे कहूंगी कि साबुन अप्लाई करने से, तो साबुन में भी बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, तो इतने सारे केमिकल यूज करने से अच्छा है होम रेमेडीज यूज करो ना। अगर होम रेमेडी से बिना किसी खर्च के आपके चेहरे की सुंदरता आपको वापस मिल सकती है, तो किस लिए जाकर खुद अपने हाथों से केमिकल वाले इतने सारे प्रोडक्ट्स खरीद कर लाते हैं हम। यहाँ तक कि जो मैंने बेसन, दूध और हल्दी वाला फेस पैक बनाया था ना, उस फेस पैक की वजह से तो आपके फेस पर आए हुए पिंपल्स भी 2 से 3 दिनों में वापस चले जाएंगे, फिर आएंगे भी नहीं। वीक में अगर आप चाहें तो 2 से 3 दिन का गैप लेकर इस तीनों स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। 2 स्टेप तो मैंने आपको बता दिया है, तीसरा स्टेप बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, उसे तो आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा। रोज वाटर यूजुअली हम सभी के घर में अवेलेबल होता है, तो जब ये दोनों स्टेप्स पूरे हो जाए ना, तो रोज वाटर को कॉटन पैड में लेकर अपने फेस पर जस्ट टैप 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 कर लेना है। अगर स्प्रे वाला रोज वाटर है तो पूरे फेस पर स्प्रे कर लेना है, बस इतना ही करना है। यहाँ होता है आपका तीनों स्टेप पूरा। ये तीनों स्टेप पाकर आप अपने हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने, पिंपल, ब्लैक स्कार्स, ब्राउन हेड, ब्लैक हेड जैसे सारी प्रॉब्लम से पा सकते हैं छुटकारा। अगर आपको भरोसा ना हो तो इस बताई हुई रेमेडी को सिर्फ वीक में 3 दिन कंटिन्यूसली अप्लाई कीजिए। फेस पर कोई साबुन मत यूज कीजिए, कोई फेस वॉश अप्लाई मत करिए, सिर्फ इस रेमेडी को अप्लाई करिए। 3 दिन का चैलेंज है, आपको फर्क जरूर नजर आएगा। मैंने ट्राई किया है, मुझ पर फर्क नजर आया, तो आप पर जरूर फर्क नजर आएगा। तो ये रहा हमारा तीसरा स्टेप। अब मैं अपने फेस पर रोज वाटर अप्लाई करूंगी। इस तरह से स्प्रे कर दिया है। स्प्रे कर देने के बाद बस हमें अपने फेस पर इस तरह से मिक्सअप कर लेना है और छोड़ देना है। यहाँ आपके पूरे 3 स्टेप कंप्लीट होते हैं। अब आप पा सकते हैं एकदम ग्लोइंग, चमकदार और निखरी त्वचा, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इरिटेशन के और बिना किसी खर्च के। क्योंकि जितनी भी रेमेडीज मैंने आपको बताई है उसमें हमें 1 रुपए का भी खर्च नहीं होता, सारी चीज हमें हमारे किचन में ही मिल जाती है, ना हमें कहीं जाना पड़ता है कुछ लाने के लिए, ना हमें ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करता है। तो सिर्फ एक ही चीज हमें बाहर से लानी पड़ती है, वो है रोज वाटर, क्योंकि हम यूजुअली घर में नहीं बनाते हैं। तो अब अपने चेहरे के लिए इतने सारे केमिकल्स के अलावा ऑप्शनली आपको सिर्फ अगर एक चीज लानी हो चाहे तो 13-14 रुपए में भी रोज वाटर मिल जाता है, तो वो वाला रोज वाटर लाकर अपने फेस पर अप्लाई ही तो करना है, कहाँ कोई मेहनत करनी है। तो इतने सारे केमिकल वाले महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने से बेहतर है 13-14 रुपए का कोई एक छोटा सा प्रोडक्ट खरीदें जो कि नेचुरल हो और नेचुरल चीज अपने चेहरे पर अप्लाई करें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई होम रेमेडी के साथ, जो आपके चेहरे को इसी तरह हमेशा ग्लोइंग रखे और आपके चेहरे के ग्लो को हमेशा बरकरार रखे। ऐसे ही ढेर सारी होम रेमेडीज के साथ मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे बाकी के वीडियोस देखें, अपने ऊपर उन सारी रेमेडीज को अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद फर्क नजर आए तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके बताएं। थैंक यू।